आज से कुछ सालों पहले एक मूवी रिलीज हुई थी स्लम डॉग मिलियनेयर। जिसमें इंडियन शहरों में चल रही उस कड़वी सच्चाई के बारे में बताया गया था जिसके बारे में इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया इतना बात नहीं करती। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ इंडियन बेगर माफिया के बारे में। हालांकि ये मूवी भले ही फिक्शनल थी पर इंडिया की करंट सिचुएशन देखते हुए मैं इसे एक डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं मानता। मेनी चिल्ड्रन लाइक बिल्किस फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन ईस्टर्न इंडिया हु आर टेकन टू साउथ अरेबिया टू बेग। और जब भीख का कारोबार बड़ा होने लगा तो आपकी जेब से बड़े और ज्यादा नोट निकलवाने के लिए तरकीबें भी तैयार होने लगी। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश के एक 24 साल के आदमी ने ये बताया कि किस तरह उसे बैगिंग माफिया ने किडनैप करके उससे ऐसे इंजेक्शन दिए जिससे वो ना सिर्फ अंधा हो गया और उसकी उंगलियां तक काट दी गई ताकि वो उससे भीख मंगवा सके। तो आखिरकार क्या है सच्चाई पूरे भारत में फैले इन बैगिंग माफिया नेटवर्क की और क्यों जिस पैसों को आप तरस खाकर एक गरीब को दान कर देते हैं वो असल में एक गरीब हकदार तक पहुंचता भी है या नहीं। हाल ही में रिजर्व बैंक के एक फॉर्मर गवर्नर ने ये बताया कि भले ही इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए उसके बाद भी इंडिया एक गरीब देश ही रहने वाला है क्योंकि इसके पीछे की असल वजह है इनकम इनइक्वालिटी जिसमें देश की टॉप 1% पॉपुलेशन ही पूरे भारत की 22.6% वेल्थ को होल्ड करती है। इसी वजह से इंडिया में अमीर आदमी और अमीर और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो इन्हीं सिर्फ वजहों से आपको हमारा देश गरीबों और भीख मांगने वालों से भरा दिखेगा। लेकिन इंडिया में लोग भीख मांगने पर सिर्फ 3-4 वजह से ही मजबूर हैं, जिसमें से पहली वजह है गरीबी और बेरोजगारी। अगर किसी भी देश में सरकार जनता को बेसिक नेसेसिटीज यानी फूड, शेल्टर और नौकरी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो उस केसेस में गरीब तबके के लोगों को मजबूरी में आकर दूसरे लोगों के सहारे की या भीख मांग के ही गुजारा करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो अगली वजह है लोगों के भीख मांगने पर मजबूर होने की वो है किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज होना, जिसमें या तो इंसान इतना डिसेबल होता है कि वो या तो काम ही नहीं कर सकता इसलिए उसे दूसरे लोगों की भीख पर ही निर्भर होना पड़ता है, या वो लोग जो डिसेबल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं अपना रोजगार कमाने के लिए। पर हमारे देश में इन डिसेबल लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि इन लोगों को सरकार रोजगार दे सके, इसलिए मजबूरी में आकर इन लोगों को भी भीख ही मांगनी पड़ती है। जिसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है इंडिया में बढ़ते भिखारियों की वो है ये बेगर माफिया नेटवर्क्स। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 5 लाख से भी कहीं ज्यादा भिखारी हैं, जो हर रोज ट्रैफिक सिग्नल्स और गली मोहल्लों में भीख मांगकर अपना रोजगार कमाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 3 लाख तो सिर्फ बच्चे ही हैं, जिन्हें जबरदस्ती इस भीख मांगने के पेशे में झोंक दिया गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 6,000 से भी कहीं ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं, जिनमें से आधे ही अपने माँ बाप के पास वापस लौट पाते हैं और बाकी बचे हुए ज्यादातर बच्चों को ये लोकल ट्रैफिकिंग गैंग्स अगवा करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाती है, जहाँ पर जानबूझकर इन बच्चों के हाथ पैर कटवा दिए जाते हैं ताकि लोग उन पर दया खाकर ज्यादा पैसे दे सकें। और कभी कदार तो छोटे बच्चों को अफीम या ड्रग्स तक दिए जाते हैं ताकि लोग उन्हें बीमार समझकर ज्यादा पैसे दें। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में भीख मांगना भी मल्टी मिलियन रुपीज इंडस्ट्री है, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स, लोकल गैंग्स और यहाँ तक कि पुलिस और डॉक्टर तक इन नेटवर्क में शामिल होते हैं। इसी तरह ही 15 साल के दलबीर ये बताते हैं कि किस तरह उनके पेरेंट्स की मौत होने के बाद 2 लोगों ने उन्हें अप्रोच किया जो कि उन्हें एक सोशल वर्कर की तरह लग रहे थे, जो उन्हें नागपुर से कहीं और मुंबई ले आए और उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दलबीर की तरह ही हजारों बच्चे इस बैगिंग माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनकी आवाज इस दुनिया के चकाचौंध में कहीं दब जाती है। वहीं हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने सक्सेसफुली एक बैगिंग माफिया रैकेट को डिसमेंटल कर दिया, जिसमें किस तरह एक माफिया ने 23 भिखारियों को एम्प्लॉय करके रखा था, जो पूरे शहर भर में भीख मांग कर रोज का 6,000 रुपए जितना बड़ा अमाउंट यानी महीने का 1,80,000 रुपया तक कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन ये माफिया उन बेगर्स को हर रोज का सिर्फ 200 रुपए ही देता था और बाकी बचा अमाउंट खुद रख लेता था। हालांकि इस बैगिंग रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद उस माफिया को तो जेल में भेज दिया गया, लेकिन इस केस में आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि भीख मांग कर ये लोग हर रोज का कितना रुपया तक कमा लेते हैं। इसी वजह से बेगर्स आपको ज्यादातर
स्पिरिचुअल्स, ट्रैफिक सिग्नल और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर ही ज्यादा मिलेंगे, जहां उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। और तो और ये बेगर्स आपको अलग अलग दिन में अलग अलग जगहों पर भीख मांगते दिखेंगे, जैसे कि ट्यूजडे के दिन मंदिर के पास, फ्राइडे को मस्जिद में और संडेज को चर्चेस में भी, ताकि लोग श्रद्धा के नाम पर कुछ पैसा तो दे दें। इसके अलावा ये बेगर्स इंडिया में टूरिस्ट्स को भी घेर कर उनसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के कुछ रीजन, स्पेशली मुंबई में, एक नए तरीके का बेगर स्कैम सामने आया है, जहां पर एक माँ अपने बच्चे के साथ आपके पास ये कहकर अप्रोच करेगी कि उसका बच्चा भूखा है, उसे दूध के डिब्बे के लिए पैसे की जरूरत है। तो उस केस में या तो आप उसे पैसे दे दोगे या फिर आप पास के दुकान में जाकर उसे दूध का डिब्बा दिला दोगे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि आपके जाने के बाद वो महिला दूध का डिब्बा शॉपकीपर को वापस करके, वो पैसा शॉपकीपर और बेगर दोनों में ही आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा और वो महिला अगले टारगेट के लिए आगे बढ़ जाएगी। और तो और सिर्फ यही नहीं, बल्कि काफी हद तक ये भी चांसेस हो सकते हैं कि जो बच्चा वो महिला लिए हो वो खुद भी उसका नहीं हो, बल्कि वो उसे बेगर माफिया से किराए पर लाई हो। इन्हीं स्कैम्स की वजह से आज लोगों ने भीख मांगने को एक मजबूरी नहीं बल्कि एक पेशा या बिजनेस बना लिया है, जहां वो रोज का हजारों रुपया तक छाप लेते हैं। जिनमें से एक है मुंबई के भारत जैन, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी भी माना जाता है। जी हाँ, यूं तो भारत जैन हर रोज मुंबई के रेलवे स्टेशन और आजाद मैदान में भीख मांगने का ही काम करते हैं, पर एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत जैन की नेटवर्थ 7.5 करोड़ के करीब है। और साथ ही 54 साल के भरत मुंबई के परेल एरिया में 1.2 करोड़ का एक फ्लैट और थाने में 2 शॉप भी ओन करते हैं, जिससे वो 30,000 रुपए महीना रेंट तक कमा लेते हैं। और तो और उनके बच्चे मुंबई के प्रेस्टिजियस कॉन्वेंट स्कूल में भी एनरोल्ड हैं, उसके बावजूद भी भरत भीख ही मांगते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में भरत ही इकलौते ऐसे भिखारी हैं जो करोड़पति हैं, बल्कि भरत जैसे और भी हैं, जैसे कि सर्वतिया देवी नाम की एक भिखारी के पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी तक है। लेकिन परेशानी की बात ये नहीं है कि ये लोग गरीब होने के बाद भी भीख मांग रहे हैं, बल्कि परेशानी की बात तो ये है कि ये लोग किसी असली गरीब और बेसहारा का हक मार रहे हैं, क्योंकि आज भी इंडिया में ऐसे असली गरीब और बेसहारा लोग भरे पड़े हैं, जो भीख मांगने की जगह भूखे पेट ही सो जाते हैं, अपनी डिसेबिलिटीज और बुढ़ापे के बाद भी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उन असली मजबूर लोगों तक मदद पहुंच ही नहीं पाती। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन रोड पर भिखारियों की मदद करना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किसी भिखारी की मदद करना ही छोड़ दें, लेकिन मैं खुद ही एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि अगर 9 फेक भिखारियों की मदद करने से किसी एक सच्चे हकदार तक मदद पहुँच रही है तो आप बिल्कुल उनकी मदद करिए। पर ये लड़ाई असल में उन बड़े बेगर माफिया नेटवर्क के अगेंस्ट है। उनसे लड़ने के लिए आपको उनके कैश फ्लोस को ही खत्म करना होगा, जिसके लिए अगर आपसे कोई भिखारी सिग्नल पर खाने के लिए पैसा मांगे तो आपको उन्हें पैसा देने की जगह कुछ खाने को ही दिला देना है। और तो और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ मिल्क कंटेनर जैसा स्कैम हो रहा है, मगर आपको ये श्योर नहीं है कि ये असल हकदार भी हो सकता है, तो उन्हें पैसा देने की जगह आप मिल्क पैकेट की सील अपने सामने ही खुलवा कर दें, जिसे आपके जाने के बाद दुकानदार उसे वापस न ले सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ऐसा शख्स दिखे जो मजबूर, बूढ़ा या डिसेबल होने के बाद भी मेहनत कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसकी ही मदद करें। अपने घर और मोहल्ले के पास पता करें कि कोई सच्चा हकदार मजबूर और जो परेशान है उन तक मदद पहुंचाएं। इसके अलावा आपको कभी भी जरा सा भी ये शक हो कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो भटक रहा है या इससे जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है, तो फौरन ही गवर्नमेंट की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर इसकी इन्फॉर्मेशन दें। और तो और आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे एनजीओस की भी मदद ले सकते हैं इन बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दलदल से बचाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में बचपन बचाओ जरूर लिखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।